Yes, hello Anima, welcome on Euripedia platform and let's start your thermodynamic snap for your BPSC interview for the post of lecturer. Yes, So, what do you understand? What is thermodynamics? Sir, thermo means sir, energy. Dynamics से transformation समझते हैं. So, energy sir, जैसे कि केमिकल एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये सब एनर्जी में आ गए. ट्रांसफॉर्मेशन सर हीट और वर्क का कर सकते हैं. अच्छा, आप मेरे को एनर्जी की फॉर्म्स बताएं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज? यस सर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से सर. बताओ, एनर्जी जो एग्जिस्ट करता है वो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता एनर्जी है? सर, कुछ फॉर्म्स आप मेरे को बता सकते हो? काइनेटिक एनर्जी सर, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी. अच्छा, आपने एक वर्ड सुना है, हाई ग्रिड एनर्जी और लो ग्रिड एनर्जी. यस सर. एनर्जी का ग्रेडिंग हम करते किस बेसिस पे है? एनर्जी का ग्रेडिंग किस बेसिस पे करते हैं? एनर्जी का ग्रेडिंग सर, ये एनर्जी का ग्रेडिंग सर ट्रांसफॉर्मेशन पे करते हैं सर. हाई ग्रेड एनर्जी और लो ग्रेड एनर्जी पे सर करते हैं. जैसे कि हाई ग्रेड एनर्जी में सर वर्क हाई ग्रेड एनर्जी है और हीट है लो ग्रेड एनर्जी. हाई ग्रेड एनर्जी लो ग्रेड क्यों है? हीट लो ग्रेड क्यों है? सर लो ग्रेड इसलिए है कि सर हीट को सर हम फुल्ली कन्वर्ट हाई ग्रेड एनर्जी में नहीं कर सकते हैं क्यू को, बट हाई ग्रेड एनर्जी डब्ल्यू को सर लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं फुल्ली. अच्छा, आपने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सुना है? अनिमा अनम्यूट करो अपने आप को. हाँ सर, टेम्परेचर मेजरमेंट ये सर डिफाइन करता है. अच्छा, इसको जीरोथ नाम क्यों दिया गया? सर जीरो इसलिए दिया गया सर, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स के पहले तीन लॉ थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. तो फर्स्ट लॉ सर इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है और इंटरनल एनर्जी सर टेम्परेचर का फंक्शन होता है. ठीक है, तो सर जीरोथ लॉ टेम्परेचर मेजरमेंट बताता है. तो इंटरनल एनर्जी के पहले ही टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए सर जीरोथ लॉ को ये मतलब क्रोनोलॉजी ये सर मतलब कि आया तो सर ये थर्ड लॉ के बाद, बट इसको पहले ही डाले इसलिए कि फर्स्ट लॉ में टेम्परेचर का इंटरनल एनर्जी. अच्छा, आपने सीबैक प्रिंसिपल जरूर पढ़ा होगा. व्हाट इज दैट सीबैक? फीडबैक यस सर, फीडबैक इज प्रिंसिपल सर टेम्परेचर को मेजर करता है और ये इसमें सर एक सीबैक इफेक्ट होता है, आपने सुना है सीबैक इफेक्ट? तो मैं इसको सही से नहीं पढ़ पाई हूँ, बट इतना बस पता है फीडबैक इफेक्ट के बारे में कि सर टेम्परेचर को मेजर करता है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है उसको. और इसमें सर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो होता है वो वोल्टेज होता है सर, पोटेंशियल. अभी सर इतना ही पता है. ठीक है, तो कैन यू एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अनिमा? यस सर. सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सर ये क्वांटिटेटिव लॉ है. एनर्जी कन्वर्जेशन कन्वर्जन को मतलब एनर्जी कंजर्व रहता है सर, ये बताता है ये. और इंटरनल एनर्जी के बारे में भी बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ये सर मतलब कि क्वांटिटेटिव लॉ है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे लॉ फॉर्म में ट्रांसफर होता है सर, जैसे कि क्यू ट्रांसफर टू वर्क. अच्छा, PMM 1 में और PMM 2 में क्या डिफरेंस है अनिमा? पीएमएम फर्स्ट सर ये बताता है कि किसी भी मतलब हीट इंजन में अब कोई भी हीट ऐड किए बिना ही वो कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस कर सकता है. और पीएम टू बताता है कि किसी सिंगल रिजर्वायर से मतलब कि किसी हीट इंजन में हीट ऐड करते हैं वो कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस करता है.
हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, यस सर, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस विच पर्टिकुलर यू नो थर्मोडायनेमिक्स लॉ रेफ्रिजरेटर इज रिलेटेड विद? ये सर क्लास किस करता है, वर्क करता है सर, क्लोजियस क्या, क्लास क्लोजियस स्टेटमेंट बताओ उसके बारे में, स्टेटमेंट बताओ क्लोजियस स्टेटमेंट। सर, क्लासेस स्टेटमेंट सर ये बताता है कि हीट सर लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर तभी ट्रांसफॉर्म होगा जब हम कोई वर्क ऐड करेंगे, एक्सटर्नल वर्क ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा अनिवा, अगर हम एक स्मॉल रूम लें, सपोज देर इज अ वेरी स्मॉल रूम विच इज फुल्ली इंसुलेटेड, और उस रूम में हम जो हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है उसका ढक्कन खोल के रख दें, सपोज इफ यू प्लेस ए स्मॉल रेफ्रिजरेटर इन ए स्मॉल रूम बाय कीपिंग इट्स डोर ओपन, तो आपको क्या लग रहा है कि जो रूम का टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर जाएगा क्या, हमें कुछ ना कुछ नो सर, जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टेम्परेचर मिलेगा? इसलिए इंक्रीज कर जाएगा सर रूम का टेम्परेचर, ऐसा क्यों, इंक्रीज क्यों करेगा? इंक्रीज क्यों करेगा, डिक्रीज क्यों नहीं करेगा? आंसर तो ठीक है आपका, बट थोड़ा सोच के बताओ कि डिक्रीज क्यों नहीं करेगा? रूम इंसुलेटेड है, रूम इज फुल्ली इंसुलेटेड, हमने यस एक सर। रेफ्रिजरेटर लगाया, रेफ्रिजरेटर टर्न ऑन किया बाय कीपिंग इट्स डोर ओपन, तो यस व्हाई द टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू डिक्रीज, व्हाट इज गोइंग टू इंक्रीज? सर, सर ये मैं डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ये याद नहीं आ रहा है। ठीक है। आप अगर हम एक बोल लें अनिमा, एक मेटेलिक बोल लें विच इज एट ए वेरी हाई टेम्परेचर, सपोज 600 केल्विन, उसको अगर हम किसी पानी में ड्रॉप करते हैं, वाटर में ड्रॉप करते हैं, जस्ट टू कैरी आउट सम काइंड ऑफ क्वेंचिंग, यू नो अबाउट क्वेंचिंग अनिमा? क्वेंचिंग जानते हो आप, क्वेंचिंग प्रोसेस होता है एक मटेरियल साइंस में, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो कुछ उस तरह का हम वाटर क्वेंचिंग कर रहे हैं, एक मेटेलिक बोल का, स्टील का मेटेलिक बोल है विच इज एट ए हाई टेम्परेचर, तो आपको क्या लग रहा है इसमें कितना कैसे एंट्रोपी जनरेशन जो है वो कैसे निकालोगे आप? हाउ यू विल फाइंड आउट द एंट्रोपी जनरेशन इन दिस प्रोसेस, क्वेंचिंग प्रोसेस? क्वेंचिंग तो भी याद नहीं आ रहा है। कैलोरी अच्छा कैलोरी मीटर क्या होता है यानी? मीटर सर, कैलोरी मीटर सर ये ड्राइनेस फ्रैक्शन को मेजर करता है। सॉरी ड्राइनेस फ्रिक्शन को तो नहीं मेजर करता ये, क्या होता है ड्राइनेस फ्रिक्शन, क्या होता है, व्हाट इज ड्राइनेस सर, फ्रिक्शन? ड्राइनेस फ्रिक्शन सर प्योर सब्सटेंसेस में सर पड़ते हैं, और ये सर मतलब कि एम बी बाय सर एम बी प्लस ML करते हैं सर, मतलब वेपर का मास और रेशियो रहता है सर, वेपर का मास प्लस अच्छा व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट? स्पेसिफिक हीट क्या होता है और सेंसिबल और लेटेंट हीट में क्या डिफरेंस है? सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट। सर स्पेसिफिक हीट होता है सर किसी भी सब्सटेंस को सर 1 डिग्री सेंटीग्रेड सर स्पेसिफिक हीट ये होता है सर, कोई भी सब्सटेंस को सर फुल्ली ये कंबस्टन के लिए सर जितना ही सर मैं यहाँ पे ये समझा पा रही हूँ। अच्छा यूनिट क्या होता है स्पेसिफिक हीट का, ऐसा यूनिट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट का सर किलो जूल पर केल्विन होगा सर, किलो जूल पर केल्विन या किलो जूल पर केजी केल्विन? किलो एक मिनट सर, स्पेसिफिक हीट
यस सर, किलो जूल पर केजी केल्विन। अच्छा, आप कार्नोट साइकिल को ड्रॉ कर सकते हो अनिमा? कैन यू ड्रॉ द पीवी डायग्राम ऑफ कार्नोट साइकिल? यस सर। हाँ तो ड्रॉ करो। अच्छा, आपको एक समझाना है मेरे को। यू नीड टू एक्सप्लेन दिस एंटायर टॉपिक अनिमा। तो आपको मैं एक टास्क क्या दे रहा हूँ, आपको कार्नोट साइकिल बनाना है एंड यू नीड टू प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज इक्वल टू 1 - T lower by T हाइयर। ठीक है, तो यू आर हैविंग 5 मिनट्स, 5-6 मिनट्स यू नीड टू यूटिलाइज दिस टाइम, और आपको डिलीवर करना है ये टॉपिक। क्लियर? तो आपका टाइम अभी शुरू हो रहा है। यू नीड टू बिहेव लाइक ए टीचर ओनली। सो आई एम सिटिंग लाइक ए स्टूडेंट, और आपको पूरा कॉन्फिडेंट होके टीचर की तरह एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए आप शुरू करें। घबराओ मत बच्चे, जैसे भी आपको समझ में आए ना आप एक्सप्लेन करो, जितना भी आपको पता है। घबराना नहीं है इंटरव्यू में, दिस इज ऑल व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग ना। अभी इंटरव्यू में टाइम है तो अभी मत घबराओ, आराम से जो भी आप बता पा रहे हो, जितना भी आप रिकॉल कर पा रहे हो अबाउट कार्नोट साइकिल, दैट ओनली यू नीड टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो प्लीज गो अहेड। थैंक यू सर। सर मैं पूरी तरह डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ, बस ये कर जैसे भी पाई हो कोई हूँ दिक्कत नहीं। हाँ, देखो आप मेरे अभी आपको मैं आपको 2 मिनट लगातार बोलना है। ठीक है, मैंने ओके छह सर। मिनट से मैं 2 मिनट पे आ गया हूँ। आप कहते हैं तो इसको 1 मिनट करते हैं, चलो 1 मिनट करते हैं। तो आपको 1 मिनट कार्नोट साइकिल के बारे में बताना है, तो मैं स्टूडेंट की तरह बैठा हूँ, आपको 1 मिनट समझाना है मेरे को। ठीक है, चलिए आप शुरू करें। सर कार्नोट साइकिल सर सर कहाँ एक है? इंटरनली, अब मैंने बताया ना, आई एम सिटिंग सॉरी लाइक ए स्टूडेंट, तो आपको टीचर की तरह एक्सप्लेन करना है नीमा। इट्स काइंड ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू चेक योर प्रेजेंटेशन स्किल। ठीक है, कार्नोट साइकिल एक रिवर्सिबल साइकिल है। ये एक्सटर्नल रिवर्सिबल भी होता है और इंटरनल रिवर्सिबल भी होता है। और कार्नोट एक्सटर्नल एक्सटर्नल रिवर्सिबल इसलिए होता है कि जब भी सराउंडिंग सब कोई हीट ऐड करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर पे, तो ऐड करने का जो काफी मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस सेम करते हैं, इसलिए वो एक्सटर्नली रिवर्सिबल होता है। और ये सर मैक्सिमम, ये मैक्सिमम इफिशियंसी मतलब ये करता है, रहता है टू टेम्परेचर लिमिट पे। चलो मैं आपको अभी फीडबैक दे देता हूँ। ओके सर। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ अनिमा, आपका नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि आपको चीजें पता नहीं है। मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे और आप ठीक लाइन पे उनको आंसर कर रहे थे। थोड़ा सा आप एक काइंड ऑफ डिसकंफर्ट फील कर रहे हो डिलीवरिंग में। तो एक तो आपको हिंदी में बताना है, बट कंफर्ट होके बिल्कुल कूल माइंड के साथ एक्सप्लेन करना है। यू आर गोइंग फॉर सम काइंड ऑफ टीचिंग जॉब, और वहां पे अगर बोलने से हेजिटेशन होगा तो तब तो फिर दिक्कत रहेगी। ये सुनो, तो पहली बात आपको एक्सप्लेन करना है, डरना नहीं है इंटरव्यू में। ठीक है, इंटरव्यूअर आपको मोटिवेट करेगा बट आपको भी कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, तो पहली बात तो क्या अभी प्रैक्टिस करनी है आपको, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है आपको। टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग तो आपने जो गेन कर लिया वो सफिशियंट है, आपने रिटन क्रैक किया एंड यू नो द बेसिक थिंग्स, दोज थिंग्स आर सफिशियंट। मैं बताऊं इंटरव्यू में 30-40% से ज्यादा टेक्निकल मैटर नहीं करता, मेन क्या मैटर करेगा आपका डिलीवरी स्टाइल, कि आपको जो पता है वो आप एक्सप्लेन कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मैं आपको कह दूं कि और पढ़ो और पढ़ो, पढ़ने से क्या होगा, आप चाहे और 10-15 दिन 20 दिन कितना मर्जी पढ़ लो, उससे सिलेक्शन नहीं होगी इंटरव्यू में। इंटरव्यू में सिलेक्शन तब होगी जब आप डिलीवर कर पाओगे। तो पता है चीजें आपको, बट आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और एक 4-5 मिनट का टॉपिक प्रिपेयर करो। दिस टाइम आप तो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, इवन आप 1 मिनट भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए इस टॉपिक को। तो इन सब डिस्कशन को जो भी मैं बोल रहा हूँ इसको पॉजिटिव मैनर में लेना है। ठीक है, हमें सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन कब मिलेगी जब हम मेहनत करेंगे।
ठीक है, तो चीजें हैं बिकॉज हम अपियर हो रहे हैं, तो इसलिए अपियर हो रहे हैं ना कि सो दैट वी विल गेट आइडिया कि हमारी कमियां कहाँ पे है। ठीक है, यस तो कमियां हैं अभी, और उन कमियों को हमें बहुत पॉजिटिवली लेना है और उस पर वर्कआउट करना है। तो एक तो आप अपना बेसिक बेसिक जो है वो एक्सप्लोर करते रहो, तो मैराथन क्लास देख लो थर्मोडायनेमिक्स का, और चीजों को ना थोड़ा रिकॉर्ड करो आप। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक एक 4 मिनट का डिस्कशन रिकॉर्ड करो कि चलो मेरे को एक्सप्लेन करना है फर्स्ट लॉ क्या है, कि 4 मिनट लगातार एक्सप्लेन करना है, तो वो कंटिन्यूअस आंसर होना चाहिए, वो इंटरप्टेड आंसर नहीं होना चाहिए। अब मैंने आपसे पूछा ड्राइनेस फ्रिक्शन क्या है, सर ड्राइनेस फ्रिक्शन तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस में पढ़ा है, दैट इज नॉट द आंसर ना, आर यू गेटिंग। तो वो नहीं करना है आपको, सिर्फ एक्सप्लेन करना है, सोचना है, और जो रिलेटेड चीजें हैं वही हाईलाइट करनी है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो स्नैप तो लगाने ही लगाने हैं, बट देर इज अ लिमिट ना, मेंटर के साथ तो आप 10-15 मिनट इंटरेक्ट कर पाओगे, बट आपको उससे ज्यादा मेहनत करनी है। करना क्या है, डेली कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन फिक्स करने हैं आपको अपने लिए कि हाँ थर्मोडायनेमिक्स में 3 लॉज हैं और उन 3ों लॉज को मेरे को 5-5 मिनट बोलना है हर लॉ पे। पहले उस लॉ को पढ़ लो, फिर किताबें विताबें बंद करके मोबाइल में रिकॉर्ड करो, खुद रिकॉर्डिंग ऑन करो, फिर सुनो उसको कि क्या आप अनइंटरप्टेड 5 मिनट बोल पा रहे हो, बोल पा रहे हो, इट मीन्स गुड, हाँ कि आपका टॉपिक रेडी हो रहा है। ठीक है, उससे कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको एनालिसिस भी कर पाओगे, और फिर अलग अलग मेंटर्स को डेली बेसिस पे आपको ज्वाइन करना है अनिमा। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बट आई फील बिकॉज यू आर लुकिंग कॉन्फिडेंट, एज सच बहुत ज्यादा नर्वस नहीं लग रहे थे आप। डिलीवरी में इश्यू जरूर है, बट एज सच बहुत ज्यादा आप घबराए नहीं, और इतना थोड़ा बहुत घबराना चलता भी है ना, दैट नॉर्मल, इट्स नॉर्मल, वेरी नॉर्मल कॉमन, अगर आप इतना थोड़ा नर्वस लग रहे हैं तो। ओके तो बहुत ज्यादा सीरियस इश्यू नहीं है, और मेरे को लग रहा है कि अगर आप वर्कआउट करोगे इन कमिंग 10-15 डेज, श्योरली यू विल बी एबल टू प्रोसीड एंड यू विल गेट द सिलेक्शन अनिमा। सो गुड लक, एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क। सर अब 1 मंथ है अभी, हाँ मतलब जनवरी 3 जनवरी से इंटरव्यू स्टार्ट है। अभी मैं स्टार्ट के बाद मेरा ये फर्स्ट स्नैप था सर टीडी का। तो सर मतलब कि समझ नहीं आ रहा कि सारे टॉपिक को पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट को, या फिर कुछ सब्जेक्ट ही मैं सही करूं, मतलब नहीं, अभी जैसे कि आपको फोकस टीडी। करना है, अभी फोकस करना है 3 सब्जेक्ट्स पे, कोई भी 3 सब्जेक्ट पकड़ो। अभी जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स पकड़ लिया, तो अभी नेक्स्ट 4-5 दिन फोकस करो थर्मोडायनेमिक्स पे ही। थर्मोडायनेमिक्स का मैराथन क्लास देखो, स्नैप लगाओ, उसके बाद फिर सेकंड स्नैप सब्जेक्ट पे जाना, इट में भी हीट ट्रांसफर, इट में भी फ्लूड मैकेनिक्स, तो 3-4 सब्जेक्ट हो जाएंगे ना, देन वी कैन थिंक ऑफ सम मोर सब्जेक्ट्स। तो अभी चीजों को बड़ा सिंपल रखो, दिमाग में ज्यादा बर्डन नहीं, ठीक है, पॉजिटिव मोटिवेटेड होकर तैयारी करनी है, तो अभी जस्ट फोकस ऑन 2-3 सब्जेक्ट्स, वॉच द मैराथन क्लास, लिसन टू सम ऑफ द स्नैप्स एंड अपियर इन स्नैप्स, टेक द फीडबैक फ्रॉम द मेंटर, वर्क ऑन दोज फीडबैक्स एंड अगेन यू नो टू अपियर फॉर द स्नैप। तो सिर्फ ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करोगे ना अनिमा, यू विल फाइंड सम चेंज इन यू आफ्टर 5-10 डेज। ठीक है, तो बस इसको प्रोसेस को फॉलो करते रहो। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है, गुड थैंक लक। यू सर।